जल्दी जल्दी काम करो। हेलो हेलो सत्या भाई, मैं बादशाह बोल रहा हूँ। बादशाह भाई, आप अच्छे तो हैं? सारा मामला चौपट हो गया, किसी ने शंकर की बीवी का खून कर दिया। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम जल्दी यहाँ आ जाओ, शंकर के बेटे को जान देकर भी बचा लूंगा मैं, बस तुम आ जाओ। अबे साला, बच्चा किधर है? ए, बोल। मालूम नहीं। बैंगलोर पार्क क्या है ना, बच्चा किधर है? मालूम नहीं। शंकर का बच्चा किधर है, बोल। मालूम नहीं। मालूम नहीं। साला कुत्ता, बोल सच बोल। अरे बोल ना, बच्चा किधर है? मालूम नहीं। शंकर का बच्चा किधर है, बोल। मालूम नहीं। बताओ। नहीं बोल। मालूम नहीं। एक बार बोलो ना। मालूम नहीं। साला चल। सुनो भाई, यहाँ एक भिखारी था ना, कहाँ गया? अरे यहीं कहीं होगा, देख लो। भैया, यहाँ एक दुबला पतला भिखारी था, कहाँ है? वहाँ है, देखिए। बोल रे, बच्चा किधर है? बोल, नहीं तो गोली मारूंगा। बच्चा किधर है? बोल साले, बच्चा किधर है? बोल। अरे पत्ना साले। बोल साले। बोल किधर है? कहाँ है? बोल शंकर का बच्चा किधर है? बता बच्चा कहाँ है? बोल बच्चा किधर है, नहीं तो मारूंगा। बच्चा कहाँ है, बोल वरना। दिन दहाड़े 20 लाख पर खून करने के जुर्म में बादशाह नाम के शख्स को न्यायालय उम्र कैद की सजा सुनाती है। मेरा बच्चा शंकर भैया। छोड़ो मुझे, मैं कह रहा हूँ छोड़ दो। नहीं, छोड़ दो मुझे, मैं कह रहा हूँ छोड़ दो। नहीं, छोड़ दो मुझे। बच्चा मिला? मैं कह रहा हूँ छोड़ दो। नहीं, हेलो। बच्चा मिला क्या? नहीं बोल। नहीं मिला भाई। बच्चा चाहिए मुझे, इसको लेके। छोड़ दो मुझे, मैं कह रहा हूँ छोड़ दो। क्या करूँ मैं इसका? क्या करूँ इसका मैं? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरा खून पी जाऊंगा मैं। बच्चे को मारना है मुझे, किधर है वो बच्चा? रे बच्चा चाहिए, किधर है वो बच्चा? तेरे प्यार को भूल जा। काहे को? आज मैं उसे बाहर ले जा रहा हूँ घुमाने। कहाँ ले जा? वो तेरी तो गुरु नई पिक्चर लगी है, चलेगा? कौन सी यार?
अरे अपनी शकीला की पिक्चर। अरे सिनेमा छोड़ पहले काम कर। ए, हमें ना सिखा। सुनील मुझे भी अपने साथ पिक्चर ले चलना। ए मैं भी चलूंगी। हाँ तुम लोगों का महाभारत रामायण देखना चाहिए इना ही। हाँ। हाँ? चिल्लर लेने आओगे ना तब समझाऊंगी कि क्या होती है रामायण और महाभारत भी। अरे बस्ती वाले सुनो, हमारे एमएलए साहब यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं। 2 दिन के अंदर पूरी बस्ती खाली कर देना चाहिए। हाँ। ए, इधर आ। ए उल्लू डालना। क्यों रे अपना इंप्रेशन नहीं पड़ेगा? लगता है लोग ऊंचा सुनते हैं। जरा जोर से बोलो गुरु। अरे बस्ती वाले सुनो, हमारे एमएलए साहब यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं। 2 दिन के अंदर पूरी बस्ती खाली कर देना चाहिए। ए बोंडा। क्यों रे मेरी बात तुझे सुनाई नहीं क्या? इस इलाके में सुनने और सुनाने वाला सिर्फ एक ही है। कौन है बे वो? कौन है वो? कौन है? थोड़ी देर में तू खुद ही समझ जाऊंगा। क्या रे कहा वो? संतावन। क्या है ये संतावन? अरे अपने मुन्ना भाई के हाथों मार खाने वाला संतावनवा शख्स है। अपनी मौत को दावत दे रहा है। बहुत बिल्डअप दे रहा है तू। आखिर वो है कहा छिपा के रखा उसे? अरे बताना वो है। है। साले को उठा के लाओ। खुद को हीरो समझता है। लोग ऐसा ही कहते हैं। अब हमरे 2 बातें सुन ले। पहली बात, ई जगह हम खाली नहीं करेंगे, जो करना है कर ले। दूसरी बात, हम चमचों से बात नहीं करता हूँ। Oh!
बच्चों, तुम तारे देखो होगा? नहीं देखो होगा? ये है, देख लो। ले देख, ले देख, ले देख। बिटुआ स्कूल जाएगा या नहीं, इसका फैसला करने वाला मैं हूँ। ये आखिर स्कूल जाके करेगा क्या? पिताजी, मैं पढ़कर बड़ा होकर कलर टीवी खरीदूंगा। अरे, तू तो मेरा सच में बड़ा क्यों ही प्यारा पोता। क्या पढ़ाने वाले आप हैं? पढ़ाने वाला तो मुन्ना है, तो आपको क्या तकलीफ है? मुन्ना कौन होता है पढ़ाने वाला? इसको पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, मेरी मर्जी। ये बात उसके सामने कह के दिखा। कहेगा तो जानता है कि मार खाएगा। एक दूंगा, यही तो तू जानता है। अरे, बार बार नहीं जाते हैं बेटा, पढ़ लिख के तुझे बड़ा आदमी भी तो बनना है ना। अरे, स्कूल जाके तू करेगा क्या? किसी दुकान में या गैराज में जाके काम करेगा तो 20 रुपए मिल जाएंगे। कितना? अरे मुन्नत, तुम अंदर आ जाओ। अम्मा, बेटे को स्कूल जाना, जल्दी तैयार करो। तू कुछ 20 रुपए की बात कर रहा था ना? अरे कुछ नहीं मुन्ना, अम्मा कह रही थी इसको 5वीं क्लास तक पढ़ाओ। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि 20वीं क्लास तक पढ़ाऊँ, बस इतनी सी बात है। एकदम सही कहा। ए चल, देर हो रही है। दादी सुसु। अरे रास्ते में बहुत जगह है, वही कह लेना यार। स्कूल का नाम सुनते ही सुसु लग रहा है। चल। नमस्ते सर। नमस्ते। अरे मुन्ना, तुम ये लड़का कौन है? न्यू एडमिशन? जी हाँ सर, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ भाई। अब तक मैं बहुत से बच्चे को भर्ती कर चुका हूँ, इसे भर्ती करना मुझसे नहीं होगा। इसके माँ बाप कौन है नहीं पता, और तुम फीस ठीक से नहीं देते, और तुमसे पैसा मैं मांग नहीं सकता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो स्कूल मैं कैसे चलाऊंगा बताओ? और ये बच्चे मेरी बात तो सुनते ही नहीं है, और कुछ अच्छी बात सिखाने की कोशिश करता हूँ तो उल्टे मुंह मुझे ही गाली देते। गाली देता है? और नहीं तो क्या, वो भी जोर से सबके सामने गाली देते हैं। उनकी वजह से स्कूल के सारे टीचर्स बिल्कुल ही बिगड़ गए हैं। सर, 4वीं क्लास की टीचर नहीं आई। घर बैठ के क्या लफड़ा करने वाली है? यहाँ लफड़ा बहुत हो गया है, इसलिए घर में ही कंप्यूटर की लफड़ेबाजी में लगी हुई है। ठीक है, आपको इस लफड़े से क्या लेना देना, आप ही 4वीं क्लास के लफड़े को जाके संभालिए, जाइए। ठीक है। देखा तुमने, हमारे मुंह से भी कैसी कैसी बातें निकलना शुरू हो गई हैं। इसका कारण क्या है तुम जानते हो? तुमने भर्ती किया है ना तुम्हारे एरिया के बच्चों को, इसे भी अगर मैंने भर्ती कर लिया तो ये सारा स्कूल लफड़ा स्कूल बन जाएगा। सर, इसका चेहरा तो देखिए सर, इस मासूम का भविष्य आपके हाथ में है सर। अरे रे रे रे, ये क्या कर रहा है? सर, सर, इसे मत रोकिए सर, 1 घंटे से इसको लगी थी, ये सब तो चलता रहता ना सर, ये सब मामूली बात है। देखा देखा देखा, ये तो मुझे सचमुच पागल करके ही छोड़ेगा, वो तुम्हारे एरिया के बच्चे जो है ना। अच्छी बातें सिखाना आपकी जिम्मेदारी है सर, छोटा बच्चा है सर, हाथ जोड़ के कहता हूँ सर। देखिए सर, देखिए कितना प्यार से कर रहा है सर। देखिए सर, इसका इसका चेहरा देखिए सर, देखिए देखिए। देखो, ये आखिरी एडमिशन होगा, ये भी उन बदमाशों की तरह हुआ तो मैं नहीं छोड़ूंगा। जल्दी फीस भर दो। आपका शुक्रिया हम कैसे अदा करूँ समझ में नहीं आता सर। अदा मत करो, बस जल्दी से फीस भर दो। चाहे कितना भी सर कट जाए, हम आपका फीस भर दूंगा सर। Good evening everybody, welcome to NNN Miss India contest. You can see all the pretty young ladies over here, they have come all over from India to take part in this contest. A hearty welcome to all of you. Thank you.
This is our final round for Miss India contest. I really love my country a lot, and I would also diminish the basic elements of poverty. Thank you. I love my country, and my role model is Mother Teresa. Thank you. Good evening, everybody. Let me speak in my mother tongue today. Hindi. इस स्कैंडल का एक लड़की की जिंदगी से बहुत बड़ा, बहुत गहरा और बहुत सही संबंध है। जैसे ये कैंडल अंधेरे में रोशनी फैलाती है, उसी तरह एक लड़की मायके में, फिर पति के घर में इस मोमबत्ती की तरह रोशनी फैलाती है, ऐसा मेरा सोचना है। The whole country is waiting for winners. Now it's the high time. The winner for Miss India contest is Miss Chitra. हेलो चित्रा, कंग्रेचुलेशन। चित्रा मिस इंडिया, मैंने कहा था ना मैं जरूर जीतूंगी। वाओ, कितनी अच्छी तरह से तूने बातें की, सुपर फैंटास्टिक। कम ऑन या, मेरे बारे में जानकर भी इतनी इमोशनल हो रही है तू? हाँ, मेरे माँ बाप, मोमबत्ती और रोशनी, माय फुट। ये तू क्या बकवास कर रही है? लेट्स पार्टी, बियर पीते हैं। मेरे बाप ने मेरा नाम धनराज क्यों रखा जानते हो? क्योंकि जेब से तो कंगाल है, कम से कम नाम का ही धनी सही। I don't want reasons, results. I want results. आज तक 28 दिन, 28 घंटे, 20 मिनट हो गए हैं। इतने बड़े शहर में, after all, दो एकड़ जमीन नहीं कमा पाया मैं। Shame on me, shame on. देखिए, इस दुनिया में मुझसे ज्यादा पैसे वालों ने कोशिश करके देख ली। मेरे साथ होटल बिजनेस करने के लिए ताज ग्रुप वाले मान गए हैं। जानते हैं क्यों? यू नो व्हाई? मेरे गेटअप या ग्लैमर के कारण नहीं, मेरे ऊपर भरोसे के कारण। और 3 दिनों के अंदर हमें उन्हें जगह दिखानी है, नहीं तो यह कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथों से निकल जाएगा। शहर के बीच 2 एकड़ जमीन है सर, लेकिन थोड़ी मुश्किल होगी। विधानसभा ट्राई करो सर। तो फिर रेस कोर्स, हाई कोर्ट, शिवाजी पार्क, वो सब नहीं देंगे सर? कोशिश की थी क्या? नहीं, की होती तो मिल जाती। बहुत कोशिश की थी हमने सर, लेकिन बहुत कोशिश की थी और कुछ बाकी नहीं है, यही ना? यस सर। यू गेट लॉस्ट सर। सर वो नो मोर आर्गुमेंट्स विद मी, यू जस्ट गेट लॉस्ट। सर 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 सर, व्हाट? सिंडिकेट बैंक में एक पुराना लॉकर था, उसको क्लोज करने गया था, वहां ये डॉक्यूमेंट्स मिले। तो मैं क्या करूं? शहर के बीच आपकी 3 एकड़ जमीन है सर, शायद आपके पिताजी से भूल गए थे। सत्यराज, पहली बार तुमने कोई ढंग का काम किया। इस जगह की सारी डिटेल्स कलेक्ट करो। ओके, गो, कम ऑन गाइस, गो एंड स्टार्ट द वर्क इमीडिएटली। Morning, hi, my cash is ready. Ready, madam. Huh. You know, I just couldn't believe it. Just hold for a second. Don't worry about it. Thank you. Okay, bye. Hey, who are you? Hey, सीधे गाड़ी चला, चल। पढ़ाई ठीक से करते हो ना? टीचर ने स्कूल में खूब डांट लगाई। कहे भाई? फीस नहीं भरी ना। अरे फीस ये है ना, भर दूंगा। मैं कहीं शहर छोड़कर भाग रहा हूँ, तो परेशान क्यों हो रहा है? कल स्कूल में आकर मैं बात कर लूंगा। इसके लिए परेशान नहीं हूँ। तो फिर ये सब उसने मेरी गर्लफ्रेंड के सामने कहा। गर्लफ्रेंड? हाँ मुन्ना। ए, साली देख के नहीं चलाती, बाहर निकल, बाहर निकल। ओहो, लड़की है, आंख मूंद के गाड़ी चलाती है। इसे कुछ हो जाता तो कौन जवाब देता इसकी गर्लफ्रेंड को? अरे कुछ हुआ तो नहीं ना? चुपचाप बैठ, गेंडे की तरह बैठा है और लड़की से गाड़ी चलवा रहा है।
उधर 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 क्यों देख रही है? आप क्यों मार रही है? ये आंखों मारने से कोई फायदा नहीं होगा। उधर 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 पहले तो नीचे उतर उतर। ए, काय को लफड़ा कर रहा है यार? ए, मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ। ए छोकरी तू बाहर आ। एक बार बोला समझ में नहीं आता? अरे भैया ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? सब अंदर बैठे हैं। हमने मैडम जी को बाहर आने के लिए कहा, इतनी सी बात पर चाकू निकलने की क्या जरूरत है? गलती हो गई सर, छोड़ दीजिए ना सर, माफ कीजिए सर, प्लीज सर। अरे इससे क्या बात करते हो? साहब क्या रे? जरा एक मिनट, दिन में तारे देखो हो का? तारे? हाँ तारे। शुक्रिया। वो सब तो बाद में। अच्छा ये बताओ इसमें क्या है? साउंड पार्टी? ए, हमारे स्कूल की फीस कितनी है? 20,000। 20,000? 100-100 के 100 नोट, इसका मतलब 2 बंडल। हाँ थैंक्स। आजकल स्कूल की फीस कितनी बढ़ गई मालूम है ना? ए, व्हाट इज दिस? गुंडागर्दी? हाँ? ओहो, जान जाने से ज्यादा खतरा पैसे जाने का लग रहा है। वक्त पर मैं नहीं आता तो हो जाता काम। यानी मुझे बचाने की फीस है? बच्चों की फीस, ये लड़ाई और तुम्हारी जान सब फ्री में, ऐश करो। ऐसे छीनने के बजाय मुझसे मांगते तो फ्री में दे देती। तुझे 2 बात बता रहा हूँ। पहली बात, ये मुन्ना किसी से भीख नहीं मांगता है, अगर हक बनता है तो ले लेता है, ओके? और दूसरी? हाँ भूल गया, अगली बार बता दूंगा। चलो चलो बच्चा चलो, फीस का इंतजाम हो गया, चलो। स्टूपिड इडियट फूल रास्कल। यही है सब 3 एकड़ जमीन। हा? ये जमीन हमारी है? हा? वो भी शहर के बीचों बीच? ओह फैंटास्टिक फैंटास्टिक मार्वेलस। सर व्हाट? यहाँ तो झोपड़पट्टियाँ हैं। तो क्या हुआ? बुलडोजर से 1 घंटे में। ये नॉर्थ बॉर्डर है सर, ये साउथ बॉर्डर है सर। इस जगह पे करोड़ों करोड़ों की आमदनी हो सकती है। ए, इधर आ। तेरा नाम क्या है? शाहरुख खान। मेरा नाम है अमरीश पुरी और ये सलमान खान है। खैर यहाँ टोटली कितनी झोपड़ियां हैं और जनसंख्या क्या है? क्यों सर, आप संसद से आए हैं? तुझे मैं वैसा दिखाई देता हूँ? तो फिर क्यों आए? आपको देखकर मुझे बड़ी दया आ रही है। अपने लोगों से कह दो कल बुलडोजर आएगा, तब तक ये जगह खाली हो जानी चाहिए। सर इतने थोड़े समय में? करेक्ट, यू आर राइट। कोई बात नहीं, परसों तो खाली कर। छोड़ो ना सर, मजाक कर रहे हो। आप जैसे कितने ही लोग ये जगह खाली करवाने हैं, लेकिन सारी कोशिश बेकार गई। खैर तुम बड़े स्टाइल में आए हो, खैर जब आ ही गए हो तो एक कप चाय पीते जाओ। आओ ना सर। क्यों बे? मेरे कंधों पे हाथ रखता है? इतनी हिम्मत आ गई तुझमें? मेरा गेटअप क्या है और तेरा गेटअप क्या है इडियट? क्यों मार रहा है इसको? हाउ डेयर दिस फेलो पुट हिज हैंड? हिंदी में। इस धनराज के कंधों पे हाथ रखता है, कितनी हिम्मत है उसमें। ओह कंधे पे हाथ धरा तो गुस्सा आ गया। हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है ना,
वो हाल ही में अमेरिका गए थे। तब जज बोस मनमोहन जी के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें घर ले गए। तो क्या मनमोहन जी ने उन्हें मारा? परसों बिल गेट्स हमारे शहर में आए थे, हमारे सीएम पर हाथ रखकर बात की। क्या हमारे सीएम ने उन्हें मारा? पागलों की तरह बातें मत करो। उसका इससे क्या लेना देना? वो क्या बुश है और तू बिल गेट है? मुझ धनराज पर इस जैसा थर्ड क्लास हाथ रखेगा तो जरूर मारूंगा। ओह देखो, मैं तुमसे मारपीट करने नहीं आया, ये जगह मेरी है। कल सुबह तक ये जगह खाली हो जानी चाहिए। नहीं किया तो? क्यों नहीं करोगे? ये जगह हमारी है इसीलिए। ओह व्हाट नॉनसेंस मैन। मैं भी यही कह रहा हूँ, व्हाट नॉनसेंस। ए मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, ये जगह मेरी है। तुम अगर इसको नहीं मारते तो हम ये जगह खाली कर देते। तुमने इसे मारा इसलिए हम ये जगह खाली नहीं करेंगे। उसका इससे क्या संबंध है? संबंध है, तुमने जिस अधिकार से इस पर हाथ उठाया उसी अधिकार से कह रहा हूँ ये जगह हमारी है। देखो मेरे साथ दुश्मनी मोल मत लो। मैं भी यही कह रहा हूँ। मतलब तुम खाली नहीं करोगे, यही ना? क्या कहते हो भाई? ओके, तुम जैसे लोगों के साथ कैसा सुलूक करना चाहिए मैं अच्छी तरह जानता हूँ। देखो तुम दो बातें सुन लो। पहली बात, बस्ती वालों से कभी दुश्मनी मत लेना। दूसरी बात बाद में बताऊं। तुम ही ने तो कहा था कि ऊपर हाथ रखोगे तो मार खाओगे। हम झोपड़पट्टी वाले लोग हैं, हमसे जरा दूर ही रहो तो बेहतर होगा। Actually, it really feels so good, you know. Well, I feel so honored. I would love to do good for the society, you know. I would love to fight for poverty. It's so great. सब कुछ ठीक है ना? I feel so excited. It's just nothing like Chitra, it. What is all this? Excuse me, just a minute. कुछ खास नहीं भैया, मिस इंडिया के हर रोज के एक्टिविटी के बारे में लिखने वाले हैं, उसी का फोटो सेशन है। अच्छा भैया, सेक्रेटरी कह रहा था कि अपनी जमीन को लेकर कोई झगड़ा फसाद हुआ, क्या हुआ? तुमने सब कुछ कह डाला? ओहो, सब कुछ नहीं, सिर्फ झगड़े की बात बताई, मारने की बात नहीं बताई। व्हाट? तुम्हें मारा? कौन था वो? मुन्ना नाम के थर्ड क्लास फेलो, उसने बस्ती वाले को सर पे बिठा रखा है। क्या भैया, तुम चुपचाप रहे, गोली मार देनी थी उसे। वो इतना आसान नहीं मैडम, वो बहुत पावरफुल है। ए, तुम अपनी जुबान बंद रखो। भैया तुमसे नहीं होता तो बताओ, मैं हैंडल कर लूंगी। चित्रा तुम टेंशन मत लो। सेक्रेटरी सर, होम मिनिस्टर को फोन लगाओ। तुम अपना काम अपने ढंग से और मैं अपना काम अपने ढंग से करूंगी। मेरे भैया को मारने वाले को मैं स्टूपिड। ए फोन लगा। ओह गॉड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। शो तू यहाँ चिपका? सुअर की औलाद, न जाने किसका फोटो है मेरे घर के दरवाजे पर क्यों चिपका रहा है। अगर तेरे को इतनी लगी है तो जल्दी शादी करके मरता क्यों नहीं? माँ, शादी करने से उतनी नहीं चढ़ती है जितनी फिगरों को देख के चढ़ जाती है। ओफो साले, मैं दिखाती हूँ कि चढ़ती कैसे है। जल्दी से एक स्पेशल चाय। साउंड पार्टी? अरे इस लड़की की फोटो यहाँ क्यों लगाई? मिस इंडिया आई है भैया। क्या बढ़िया फिगर है बिल्डिंग का। जानते हो ये और मैं बहुत करीबी दोस्त हैं। करीब है? हाँ यार चलो, चल 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 जल्दी जल्दी। तू उसे कैसे जानता गुरु? जानते हो, अरे वो मेरा नाम की माला जपती है। वीडियो खाली पीली मजाक मत करो। लड़कियों के बारे में मैं मजाक नहीं करता, चुटकी बजाते ही वो यहाँ आ जाएगी। तो भैया बजा के दिखाओ चुटकी। अरे वो आ जाएगी तो फालतू की परेशानी होगी। अरे बजाओ ना, देखते हैं। हाँ। अरे जब इतना पूछ रहे हो यार तो मैं कैसे मना करूँ। है मुन्ना, तुम सचमुच गुरु हो, तुम्हारे चुटकी बजाते ही मिस इंडिया धमकी। अरे ये तो सचमुच में आ गई। सपना है या सच, अपुन के समझ में कुछ नहीं आ रहा। मुन्ना रे, तुझे बुला रही है। जा 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 जा, जल्दी जाना। तुम इन्हीं झोपड़ियों में रहते हो? हाँ। यहाँ मुन्ना नाम के गुंडे को तुम जानते हो? जानता हूँ, क्यों? उसके हाथ पांव काटने हैं। तुम काटोगी या कोई और काटेगा? तुम्हें क्या लेना देना,
वो कहाँ है ये बताओ बस। अरे लेना देना है क्योंकि मैं ही हूँ मुन्ना। मेरे भैया पर हाथ उठाने की हिम्मत आ गई तुझमें? ओहो, तो फिर जो कल आया था वो तुम्हारा भाई है? अब अपन को मानना पड़ेगा दोनों एक दूसरे के करीब हैं। देखो बस एक फोन करने की देरी है, 100 लोग पहुंच जाएंगे यहाँ। बहुत खुशी हुई, चलो मुझे पकड़ने के लिए 100 लोगों की जरूरत है, ये तो पता चला। हेलो सुनील, यहाँ किसी के हाथ पांव तोड़ने हैं, तुम फौरन इंदिरा कॉलोनी चले आओ। मैं दिल्ली में हूँ मैडम। क्या शहर से बाहर हो? तुम उसे फोन करोगे, उसे सपना थोड़ी आया होगा। ठीक है लौटते ही फोन करना, साथ में मिठाई भी लाने के लिए कह दो। क्या कहा, बड़े हीरो हो, कहो ना, बड़े दादा बनते हो, बोलो ना। अगर मैंने ठान ली तो एक ही मिनट में ये जगह खाली करवा दूंगी। घूर क्यों रहे हो हा? ऐसे देखोगे तो लड़कियां फिसल जाएगी। हा? बहुत स्ट्रांग हो, क्या खाते हो हा? भेजा भेजा, एक्सरसाइज करते हो हा? मेरे बारे में तुम जानते नहीं, तुम्हें खत्म कर दूंगी। माफी मांगो, माफी मांगो, मांगो माफी। देखो दो बात बताता हूँ, पहली बात लड़कियों को लड़कों से इस तरह छूकर बात करना ठीक नहीं है। दूसरी बात, तुम अभी टेंशन में हो, बाद में बताऊंगा। इसे अपने बाप की जगह समझ रखी है। नो, ये मेरी जगह है। नहीं, ये जगह सिर्फ हमारी है। आहा, आई सी। चल चल फूट ले यहाँ से। मैं कौन हूँ तुम्हें दिखा दूंगी। ए, गेट लॉस्ट स्टूपिड। मुन्ना वो छोकरी तुमसे क्या बोल रही थी? अरे कल वो बदमाश आया था ना, उसकी बहन है, जगह खाली करने के लिए कह रही थी। यानी हम लोगों की जगह खाली करने? अरे मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगा। धनराज क्या बात है, कैसे हो? ठीक ही हूँ, चड्डी पहनने से लेकर मिनिस्टर बनने तक मुझसे पैसे वसूलते आ रहे हो। हम दोनों की दोस्ती के बीच ये मामूली बात है। अच्छा बताओ खाना खाओगे क्या? ये खाने वाने की बात छोड़ो, इस वक्त मेरी बात सुनो। इंदिरा कॉलोनी वाली जगह मेरी है, बस्ती वाले लोग जगह खाली करने से मना कर रहे हैं। इतनी सी बात? मैं उस एरिया की पुलिस अधिकारी से कह दूंगा, तुम्हारा काम एक दिन में हो जाएगा। तुम जैसे दोस्तों के काम करने के लिए ही मैं होम मिनिस्टर बना हूँ, ठीक है? धनराज 10 स्कॉच की बोतल भेज देना। हाँ ठीक है भेज दूंगा। सर चित्रा मैडम आ रही है। चित्रा तुम वहाँ क्यों गई थी? मुन्ना को चेतावनी देने गई थी। ए, क्या हो गया इसको? मैडम को जरूर कुछ हुआ है। चित्रा, चित्रा, what happened? सपना देखा भैया। बुरा सपना? उससे भी भयंकर। हाँ भैया, सपने में ना वो मुन्ना आया था, मैं उसके पीछे घूम रही थी, डांस कर रही थी, गले लगा रही थी और वो मुझे चूम रहा था, सपना था भैया। नो 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 नो, गलत है गलत है, तुम्हें ऐसे सपने नहीं आने चाहिए, उसका उसका गला घोटने वाला, चाकू से मारने वाला सपना आना चाहिए। हाँ समझ गई ना, सो जाओ। वो न सिर्फ मेरे जगह के पीछे, मेरी बहन के पीछे भी पड़ा है, उसे मैं नहीं छोड़ने वाला। यहाँ मुन्ना नाम का शख्स कौन है? मैं हूँ मुन्ना। कान खोल कर सुन लो, 20 साल से दूसरों की जगह पर अपना घर बसा के खा पी के जिंदगी बसर कर रहे हो, अब तक आपकी दादागिरी तो बर्दाश्त हो गई, अब आगे से गुंडागर्दी नहीं चलेगी। होम मिनिस्टर को ऑर्डर है कल इस जगह को खाली करना होगा, कल सुबह तक। कल सुबह तक ये जगह खाली नहीं की तो तुम लोगों का बहुत बुरा होगा, वो आपके घर बार या आपकी जान भी हो सकती है, ये स्ट्रिक्ट वार्निंग है, समझ गए? इतने दिनों तक तुम्हारी जिद के कारण हम लोग बचते आ रहे हैं, इतना ही काफी है, लेकिन ये पुलिस वाले कुछ भी कर सकते हैं। इस जगह को खाली करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। चलो मुन्ना चलते हैं। रास्ता दिखाने वाला वो भगवान है, किसी को कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, सब यही रहेंगे।
यहाँ रह के क्या करेंगे? मंदिर बनवाएंगे। मंदिर? हाँ, पहले यहाँ पर एक मंदिर बनाओ। बेटे मुन्ना, हम लोग जगह खाली करने की बात कर रहे हैं और तुम मंदिर बनवाने की बात कर रहे हो। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, मैं बताता हूँ किसका मंदिर बनाए। गणेश जी का। हाँ, गणपति बप्पा, वही सबका है, वही सबको पार लगाता है। कहाँ बनाएंगे? यही पे, यही पे, यही वो जगह है। गणपति बनता, कार्य समन्ता, सब दुख हरता, गणपति बप्पा। भाई साहब, 20 साल पहले एक भिखारी हनुमान मंदिर के पास रहता था। उसके पास एक बच्चा भी था, वो अब कहाँ है आप जानते हैं? मैं नया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। कहाँ गया होगा? मुन्ना, पूजा शुरू करें। अरे रुकना यार, क्या जल्दी है। सारी तैयारी तो होगी मुन्ना, थोड़ी देर और इंतजार कर। मुन्ना कहाँ जा रहा है? अरे रुकना यार। हाँ, अब पूजा शुरू करो। तो डिस्को डांस कर रहे हो? ए सामने से हट। ये क्या, कल जब आया यहाँ कोई मंदिर नहीं था, अब कहाँ से आ गया? बहुत सालों से यहीं पर है। जब से जन्म लिया यहीं पे है। किसके? मेरे जन्म से? नहीं, मेरे। जगह खाली करने को कहा तो मंदिर बना के धोखा दे रहे हो। हटो सब यहाँ से। अच्छा मजाक कर लेते हैं। मेरी बात मानो, दो बटालियन पुलिस मेरे साथ आई है। मुंह बंद करके जगह खाली कर दो, नहीं तो एक एक की हड्डी पसी तोड़ देगी। मजाक सुन रहा है तुम्हारी तो? मुन्ना, क्या हुआ? हमारे मंदिर को तोड़ डाला। अब हम लोग क्या करें? पूछ रही हो क्या करें? कितनी बड़ी समस्या है ये, बस रोते रहो, जोर से रो ना। हाँ, भगवान, मेरे गणेश जी के मंदिर को तोड़ डाला। हाँ। क्या इस अन्याय को पूछने वाला है कोई नहीं है? अरे उनके कर्म फूटे, उनके मुंह में कीड़े पड़े, उनका सर्वनाश हो जाए, सत्यनाश हो जाए उनका, इनके हाथ पांव टूट जाए। अरे चालाक है सब लोग, क्या प्लानिंग की है इस साल में? लगता है ये मामला बड़ा पेचीदा हो गया, यहाँ से फूट लेना ही बेहतर है। हमारे गणेश मंदिर को तोड़ डाला भाई, अब हमारे गणेश जी को कौन बचाएगा? ये सब कैसे हुआ बता सकते हैं? आप लोग धरना क्यों कर रहे हैं? कारण बताइए ना। मैं क्या कहूँ, देख लीजिए हमारे गणेश जी का मंदिर को तोड़ डाला, अब गणेश जी का घर कहाँ होगा? इतने दिनों तक पुलिस वाले लोगों पर अत्याचार करते हैं, लेकिन अब भगवान पर भी अत्याचार शुरू कर दिया। गणेश जी की क्या गलती थी? जब भगवान ही पुलिस वालों से नहीं बच पाए तो मामूली लोग कैसे बच पाएंगे? जब तक गणेश जी को न्याय नहीं मिलता हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। बोलो गणेश जी की जय।
बोलो गणेश जी की गणपति बप्पा गणपति बप्पा। इस वक्त उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश से सारे देश से देश के कोने कोने से लोग इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने आ रहे हैं। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम एक पानी की बूंद तक नहीं पिएंगे। गणेश जी की जय। गणेश जी की गणपति बप्पा गणपति बप्पा गणपति बप्पा। The Ganesh statue of a local temple was demolished by some unknown miscreants in a small colony at Indranagar, Bangalore. Tension prevailed in the area as the residents staged a dharna. Meanwhile, in the assembly, the leaders of all political parties condemned the act. The situation in the city is very tense and a few incidents of violence and action have also been reported. Curfew has been imposed in the area. Mr. Bhajan Lal of Ishwar Singh has strongly condemned the act. Police walon ne Ganesh Mandir ko tod diya. सर सीएम साहब बुला रहे हैं। आता हूँ भाई चलो। नमस्ते साहब जी। टीवी देखा आपने, पेपर पढ़ा आपने, आप एक जिम्मेदार होम मिनिस्टर हैं, गुंडों के साथ मिलके ऐसा घटिया काम करने में शर्म नहीं आती आपको? कौन है ये धनराज? दोस्त है सर, दोस्ती में वो। ये कैसी दोस्ती है आपकी? दोस्ती में सरकारी अधिकार का इस तरह से उपयोग करना कहाँ का इंसाफ है? पुलिस वालों को इस तरह का काम करने पर आपने मजबूर किया, क्या है ठीक है? ऐसी कोई बात नहीं है सर, अगर दोस्ती में कुछ। बस बहुत हो गया, आपने जो काम किया उससे सरकार पर काला धब्बा पड़ गया है, ये बात नेशनल लेवल तक पहुंच चुकी है, जानते हैं आप? जानता हूँ। जानकर भी आपने ऐसा किया? देखिए आप उस बस्ती के मुन्ना के हाथ पकड़े या पांव पकड़े मैं नहीं जानता, पहले उस टेंट को वहां से हटाइए, मामला यहीं खत्म होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको अपनी पोस्ट से इस्तीफा देना होगा। दोस्ती को लेकर कोई रिजाइन करेगा क्या सर? सर मैं कुछ ना कुछ करके उसे वहीं रोक देता हूँ। मैं चलता हूँ सर। ना अरे छह प्लेट खा चुका है, बस कर यार। ए, इसका फैसला करने वाला मैं हूँ, तू जाकर पान दिया। नमस्ते नमस्ते मिनिस्टर साहब, सबको मेरा सलाम। नमस्ते, यहाँ पर मुन्ना। अरे लाओ 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 लाओ। एक मिनट, कोई बात नहीं। मुन्ना तुम्हारी उम्र इतनी कम है, मैं इस एरिया के लीडर, मतलब मैं सोचा बड़ी उम्र के हो गए। हम कहाँ के लीडर हैं, लीडर तो आप हैं सर, हम तो बस यहाँ के छोटे मोटे काम करने वाले हैं। छोटे मोटे काम करने वाले ही बहुत पावरफुल होते हैं। तबा, तबा, तबा। काम तो आपके लोगों ने किया है। अरे वो गलती से हो गया भाई। तुम इसके लिए खाना पानी छोड़कर उपवास में क्यों बैठे हो भाई? ये सब किस लिए भाई? देखा देखा देखा, खाना पानी छोड़ के गैस हो गया है तुम्हें। हमें जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे, ना ही कुछ खाएंगे। मैं अपने पैसों से यहाँ पर एक मंदिर बना दूंगा, उसके बाद मंदिर के पास तुम लोगों के लिए घर बना दूंगा। मंदिर बनवा के देंगे हमारे लिए, घर बनवा के देंगे हमारे लिए। संभालना यार, भला करे। तो फिर हमारे घर का नंबर चाहिए ना सर? उसकी चिंता क्यों करते हो? गवर्नमेंट से बात करके, सीएम से बात करके वो सारे घर तुम्हें दिलवा दूंगा। हड़ताल तो बंद करो। मैं भी बंद कर दूंगा, लेकिन आपका वादा जब पूरा होगा तब ना करूंगा। ठीक है भाई, तुम्हारी बात मान लेता हूँ। पिए, जूस लेकर आओ। जूस नहीं है सर। कोई जरूरत नहीं सर, पानी मंगवा दीजिए। अरे पानी तो लेकर आओ। लीजिए सर। ये लो भाई, ये लीमू पानी है, इसको पीकर उपवास तोड़ दो। कुछ भी नहीं खाया। इसीलिए बोलता हूँ पेट खाली मत रखा करो, गैस हो जाएगी। सेहत का ख्याल रखना भाई, मैं चलता हूँ। चलता हूँ, चलता हूँ। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। कल नेट की प्रॉब्लम थी, आज मेरी प्रॉब्लम है, कल ना जाने क्या क्या प्रॉब्लम होगी। भैया उस जगह पर तो कोई मंदिर नहीं था, अचानक रातों रात गणेश जी का मंदिर कैसे बन गया? वो सुबह थर्ड क्लास मुन्ना का काम है। पर गणेश जी बहुत ही शक्तिशाली हैं। ए, इस वक्त गणेश की महिमा क्यों गा रहे हो? सॉरी सर, एक काम करें सर। वो क्या है जल्दी बताओ ना। उस मुन्ना को भी अपने होटल में पार्टनर बना ले तो कैसा रहेगा? हाँ, हम सबको सफाई का काम दे देगा वो मुन्ना। यस मैडम, मान गई। ए, वो बात नहीं है, मेरे पास एक बढ़िया प्लान है। क्या प्लान है मैडम? नहीं नहीं नहीं, इसके सामने कुछ मत कहना। किसी के सामने नहीं कहूंगी, मैं करके दिखाऊंगी। मिस इंडिया फिर से यहाँ क्या लेने आ गई? नहीं जानता यार। मुन्ना किधर है? अंदर है, अंदर है। ठीक है,
हाई, तुमसे थोड़ी बात करनी है। तो करो ना। पर्सनल है। ओ, तो मैं भी बाहर जाऊं? ए, तुमसे ही तो बात करनी थी। दरवाजा क्यों बंद कर रही? कहा ना पर्सनल है। खिड़की भी बंद करूं? अरे यार, दरवाजा बंद हो गया, खिड़की भी बंद हो गई। हाँ, ये दोनों कमरे में बंद है, अब न जाने क्या गुल खिलने वाले। वो छोकरी बहुत तेज भी है यार। हाँ, हाँ बोल। वन सेकेंड। हाँ, अरे बात करो ना, कपड़े क्यों उतार रही हो? गर्मी हो रही है, एसी भी नहीं है। ठीक है, जो कहना जल्दी कहो। मैं यहाँ पर जगह के बारे में बात करने नहीं आई। तुम मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हो, दिन ब दिन चाहत बढ़ती जा रही है। मैं समझ गई हूँ कि ये प्यार ही है। आई वॉन्ट टू मैरी यू। क्या क्या कहा? मैंने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मिस इंडिया हो, लगता है तुम्हें कोई रोग लग गया है। ये प्यार का रोग है, मुझसे शादी करोगे या नहीं? मुझसे शादी करोगी तो चार दिन भी तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाऊंगा, मेरा पीछा छोड़ दो। मतलब नहीं करोगे? ए, ऐसे मत देखो, इन्हीं आंखों की वजह से मैं दीवानी हो गई। मैंने नहीं, तुम्हें कुछ कर लिया होगा। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ जानते हो? नहीं जानता। थोड़ा ऊपर नीचे देख कर बोलो। कुछ भी देखूं, कुछ नहीं होता। ए, लास्ट एंड फाइनल क्या? ओ, थोड़ी दूर रहकर बात करो। मेरे बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। हाँ, नहीं पता। मैं क्या करूंगी जानते हो? अरे बताओगी तभी तो जानूंगा ना। बाद में तुम्हें परेशानी होगी, पाँव पकड़ने होंगे। पाँव मैं नहीं पकड़ूंगा। श्योर? श्योर। बदलोगे नहीं ना? एक लड़की के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, योर विश। क्या हो गया मुन्ना? ये तुमने कैसा काम कर दिया मुन्ना? अरे आपस में बात करके सुलझाने के बजाय ऐसा काम कर दिया। अरे ऐसे क्या देख रहा है? अब तक तो पुलिस वालों को आ जाना चाहिए था, अभी तक क्यों नहीं आए? तुम्हारे एरिया में कोई मिस इंडिया चित्रा को तुमने रेप करने की कोशिश की, तुम्हारे हर काम में बस्ती वाले तुम्हारा साथ दे सकते हैं, लेकिन कानून नहीं। यू आर अंडर अरेस्ट। रेप नहीं हुआ सर, एक और चांस दे देंगे तो। चांस दिया तो मेरे सामने ही रेप करोगे क्या? कांस्टेबल ले आओ सर। एक मिनट। क्या है? अंदर आएंगे, आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। मेरे साथ खेलने की कोशिश मत करना, चला। एक मिनट के लिए आइए ना। आइए प्लीज। एक मिनट, जरा टोपी उतारिए ना। क्यों? प्लीज ऐसे ही खड़े रहो। तू कैसा आदमी तू? उसने कहा अरेस्ट करो तो तुम किसी को अरेस्ट कर लोगे? कहेगी छोड़ दो तो छोड़ दोगे क्या? तू कैसा पुलिस वाला है? बाहर किसी से मत कहना कि मैंने मारा था, कहेगा तो तेरी इज्जत जाएगी। हे चल। ये सब नहीं चलेगा, मुझे अंदर ले जाके घूस देने की कोशिश करते हो। आई एम स्ट्रिक्ट ऑफिसर। सर, वापस कितने बजे लाएंगे? क्या इसे सिनेमा दिखाने ले जा रहा हूँ? चपे स्टेशन ले जा रहा हूँ, चलो चलो, इससे बाद में निपट लेंगे। पांच फुट आठ इंच लंबाई वाले इस मुन्ना भैया नाम के शख्स का शरीर वासना की भावना से भर गया। प्रोसिक्यूटर, ये कैसी भाषा है? ये कोर्ट है, माइंड योर लैंग्वेज। सॉरी योर ऑनर, इस शख्स ने एक लड़की पर अत्याचार करने की कोशिश की, बलात्कार घोर अपराध है, इसीलिए इस व्यक्ति को कठिन से कठिन सजा दी जाए, ऐसी मेरी कोर्ट से गुजारिश है। दैट्स ऑल योर ऑनर। मुवक्किल, तुम्हें इसके बारे में कुछ कहना है? हुजूर, पांच फीट आठ इंच लंबाई वाले आदमी को सजा मिलनी चाहिए, ऐसा वकील साहब कह रहे हैं।
100 करोड़ जनसंख्या वाले भारत देश में इस लंबाई चौड़ाई वाले हजारों लोग मिलेंगे, वो मैं ही था, आप कैसे कह सकते हैं? मतलब तुमने कोई अपराध नहीं किया? नहीं किया हुजूर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जिस आदमी का हवाला दिया वैसे भारतीय हजारों लोग होंगे, वो भारतीय तुम क्यों नहीं हो सकते? ये नामुमकिन है हुजूर, क्योंकि मैं भारतीय नहीं हूँ, चाइनीज हूँ। कहता है कि चाइना का है। भारतीय नहीं हूँ ऐसा कहने में तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं आती सर, मेरी पैदाइश कहाँ हुई नहीं जानता सर, मेरे माँ बाप कौन है ये भी नहीं जानता, मेरा सही नाम भी नहीं है, कोई अन्ना बोलता है, कोई भाई बोलता है, कोई मुन्ना बोलता है। इस देश के कोर्ट में बिना देखे समझे मुझे खड़ा किया गया है, तो ऐसी हालत में मैं भारतीय कैसे कहला सकता हूँ सर? मैं भारतीय नहीं हूँ ये सुनकर आपको कितना गुस्सा आया? तो बिना नाम और पहचान के मुझे कितना गुस्सा आएगा, इसे मैं किस पर निकालूं, जरा आप ही कहिए। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है सर, हमारी बस्ती में रहने वाले सबकी कहानी है ये। पहले हम लोग जीव नगर में रहते थे, उसे खाली करने को कहा, नारायण नगर में गए, उसे खाली करने को कहा, अब इंदिरा नगर में बसे हैं, अब इसे भी खाली करने के लिए कह रहे हैं, ऐसा कब तक चलता रहेगा सर? हम भारतीय हैं इस बात का कोई सबूत नहीं है सर, हमारे पास घर नहीं है, वोटिंग लिस्ट में हमारा नाम भी नहीं है, नहीं है, राशन कार्ड भी नहीं है, नहीं है, ये सब हमारे पास नहीं है, ऐसे भारतीय हैं हम। बोलो भारत माता की जय। ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब आप उच्च स्थान में बैठे हैं, हमारे बारे में भी जरा सोचिए ना, हम भारतवासी हैं, ऐसी कुछ तो पहचान हमें दीजिए, हमें न्याय चाहिए। इंदिरा नगर कॉलोनी में रहने वाले लोगों को इतने सालों के बाद भी भारत के नागरिक होने की कोई पहचान नहीं मिली, ये सुनकर बहुत दुख हुआ। इन सबको भारत की नागरिकता मिलने के लिए सरकारी ओहदे पर जो अधिकारी हैं वो और ये कोर्ट जिम्मा लेता है। मुन्ना नाम के इस शख्स को कोर्ट बाइज्जत बरी करता है और अगले महीने की 10 तारीख को दूसरे पहलुओं पर विचार होगा। ये केस कैसे शुरू हुआ, कैसे खत्म हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर वो बरी हो गया, उन लोगों को घर मिल गए। तुम्हारा नाम क्या है? नरेंद्र। मेरा नाम जीतू है। हाँ देखता हूँ। तुम्हारा नाम राधा है? हाँ साहब। सेक्रेटरी, हमने जगह के लिए केस किया था और वहाँ घरों के नंबर डाले जा रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ साहब, आज घरों के नंबर, कल राशन कार्ड, परसों वोटिंग पावर, बाद में टैक्स भरेंगे, जगह हमारी है कहेंगे, वो कोई मामूली बस्ती वाला नहीं है सर, बड़ा तेज है। अब हम क्या करें? मैं भी उसी पे विचार कर रहा हूँ। मुन्ना, अब आज मैं इतना खुश हूँ मुन्ना की तरह शमशान करने का मन कर रहा है। अरे यार वो शमशान नहीं, शमशान। शमशान नहीं, सम्मान। हाय रे किस्मत, ये ले। तू ना तो कभी बीड़ी पीता है ना शराब पीता है, आज तुझे क्या हो गया मुन्ना? आज हमारे घरों को नंबर जो मिल रहे हैं। अरे ये कारण नहीं है, हमारे सोना जैसे मुन्ना को उस राक्षसी ने रेप के केस में कोर्ट में लाकर खड़ा कर दिया ना, उसी दुख में पी रहा है बेचारा, है ना मुन्ना? हमारे मुन्ना को उसमें सिन्या ने डिसअपॉइंट किया है, तुम्हें चुप नहीं बैठना होगा, जरूर कुछ करना ही होगा। जरूर करूंगा, उसकी बैंड बजा दूंगा, उसने मुझ पर रेप का केस लगाया है, मैं वही करूंगा। ना किसी ने पहले किया होगा और ना कोई आगे करेगा, ऐसा रेप करूंगा। उसके लिए मुझे तुम सब का आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद क्यों, आरती करके भेजेंगे और आरती लेके आना। किसी बात की चिंता मत करना, हिम्मत से काम लेना मुन्ना। अरे नारियल फोड़। आप बताओ बताओ पार्टी। We'll be right back.
यहाँ क्यों आए हो? रेप का केस गया था ना मुझ पर, मैं सचमुच रेप करने आया हूँ। तू जो करना है जाके कर ले, जा। ए, ए, पास मत आना, हाई के लियो। ए, मुझे कोर्ट भेजेगी। रेप क्या होता है? नो स्टॉप। मुन्ना ए, ये क्या कर रहे है तू? आई लव यू। ए, रेप में करने आया हूँ और तुम बचाओ बचाओ क्यों नहीं चिल्ला रही हो? मैं वही तो कर रही हूँ। ए, तुम चिल्लाओ, तुम चीखो। मैं नहीं चिल्लाऊंगी। आई लव यू, आई लव यू मुन्ना, आई वांट यू। छोड़ दो मुझे। नहीं मुन्ना, ये क्या कर रही है? छोड़ दो, आई लव यू मुन्ना। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुम्हें कैसे छोड़ दूँ? मेरे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है। तुम्हारे आगे मैं हूँ। जितना तुम मुझे छोड़ दो, माफ कर दो मुझे, मेरी इज्जत मत लूटो। हे भगवान, अरे चलो, अरे मेरे पास चलो, चलो मुझे, अरे मेरे पास आओ, मुन्ना, आई लव यू मुन्ना, मुन्ना सुनो ना, चित्रा, मुन्ना, चित्रा मुझे छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दूँ? मैंने कहा ना मेरे आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है, ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा। मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ। अरे बाप रे, इसे कोई समझाओ। मैं तुझसे प्यार करती हूँ। ओहो, कुछ मत करो, बचाओ मुझे, बचाओ, अरे बचाओ रे, मुझे बचाओ, अरे मुझे बचाओ, अरे बचाओ रे, माफ कर दो मुझे। व्हाट इज दिस? सही वक्त पर आकर आपने मुझे बचा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया भैया। चित्रा यहाँ क्या हो रहा है? It's time to express भैया, I'm in love with him. Love? नहीं नहीं नहीं, ये लड़की इतनी भूली नहीं है, मैं आप दोनों के हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। अरे भगवान, मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना। चित्रा, what? मुन्ना मुन्ना मुन्ना, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? हाँ, मैं उसके लिए पागल हूँ। वो एक थर्ड क्लास लोफर है, उससे तुम? I love him. वो हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। कोई बात नहीं, वैसे भी शादी में उसे दहेज देना ही होगा। एक और बार उसका नाम लिया तो उसे खत्म कर दूंगा। तूने मेरी मान मर्यादा सब मिट्टी में मिला दी। मान और मर्यादा को कुछ नहीं हुआ, उससे मेरी शादी करने को राजी हो या नहीं बोलो। ओह, शादी? यस। नो, इम्पॉसिबल। ओके ओके, मैं ही वहाँ चली जाती हूँ। चित्रा, चित्रा मेरी बात सुनो। क्यों मुन्ना, क्या हुआ? अरे बोल ना, क्या हुआ? ए, इस तरह से क्यों कांप रहा है? जिस काम के लिए गया था वो हो गया? माँ, वो इतनी सीधी सादी नहीं है माँ। क्यों, काट लिया क्या? काटा वटा कुछ नहीं, जो काम मैं करने गया था उसने वो काम मेरे साथ करना चाहा। कौन करता है, क्या फर्क पड़ता है, काम होना जरूरी है। इसका मतलब कुछ भी नहीं हुआ, मैं बच के आ गया। हाँ, वो यहाँ क्यों टपक पड़ी? क्यों मुन्ना, तुम बोले तो उसके घर जाते हो, वो बोले तो तुम्हारे घर आती है, आखिर तुम दोनों के बीच में कोई कनेक्शन तो है? मुन्ना, मैं अपने भाई से लड़कर यहाँ आई हूँ। क्या कहा? मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ मुन्ना। मुझसे शादी? शादी मैं नहीं करना चाहता। नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? मैं तुम्हारे लिए अपना घर छोड़कर आई हूँ, जानते हो ना? क्या जादू कर दिया मुन्ना, शादी ब्याह की बात कर रही है। ए, एक बार कहने से नहीं समझती, तुम जैसे आई हो वैसे लौट जाओ। मुझसे शादी करोगे या नहीं करोगे? नहीं करूँगा। ए, यहाँ कुआं कहाँ है? वहाँ पर है। हटो। ऐ सुन, वो कुएं के बारे में क्यों पूछ रही थी? ये बता, तू इससे प्यार करता है या नहीं? नहीं करता। नहीं करता है तो क्यों बचाया? मैंने कहा बचाया उसे, किसी ने मुझे धक्का दिया था।
अगर मुझे पता लग गया ना। ये बता, क्या इस लड़की ने ये जगह मांगी? तेरे साथ रहने के लिए थोड़ी सी जगह ही मांगी ना। इसके बारे में तुम कुछ नहीं जानती। ए मुंह बंद कर, ये लड़की सारी शर्म वरम छोड़ के कह रही है कि तुझसे प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ, और तू ये भी नहीं समझ रहा। अरे माँ, अरे बकवास बंद कर। देख बेटी, तू चिंता मत कर, यहीं इसी बस्ती में रहना, तुझे कुछ नहीं होगा, हम लोग है ना। चल 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 बेटी चल। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, अपना काम देखो। आंख मार रही है बेवकूफ, वो तुझसे प्यार करती है, तुझे आंख नहीं मारेगी तो क्या पड़ोसियों को आंख मारेगी? साहब ना, जल्दी जा और तैयार हो कर आ जाओ। चलो 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 चलो। अरे तुम क्या देख रहे हो, इनका सारा काम पड़ा है, चलो जल्दी। मां अरे करने के, चलो चलो लड़का है ये, क्या हो साल में नहीं आता इसको। जा 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 जा, प्रभु तेरी कृपा से सब अच्छा ही हो रहा है। जय हो। हेलो, होम मिनिस्टर बात कर रहा हूं। तुम कुछ मत बोलो, पुलिस को भेजकर तुम जगह खाली करवाने वाले थे ना, क्या हुआ है? अब वो मेरी जगह के साथ साथ मेरी बहन को भी भगा ले गया। तुमसे ये काम नहीं होगा, मैं खुद करूंगा। उसके साथ कैसा सुलूक करना है मैं अच्छी तरह जानता हूं। बोलो गणेश महाराज की, 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 गणेश महाराज की, गणेश महाराज की, गणेश महाराज की। हमारा गणेश मंदिर को किसने तोड़ा? आप लोग कौन हैं? हम वाराणसी से आए हैं, हम आपके साथ हैं, डरो मत। हम जान दे देंगे पर गणेश मंदिर तोड़ने नहीं देंगे। जय गणेश महाराज की। हमारा मुन्ना महाराज कहाँ है? जाओ उसे लेकर आओ। किसी ने मेरे बहन को अगवा करके मारने की कोशिश की। इंस्पेक्टर इसे मत छोड़िए। इंस्पेक्टर क्यों बोला बन रहा है? इंस्पेक्टर मत छोड़िए। फोन देना। एक मिनट, एक मिनट। हेलो, क्या है सलीम? किधर? कौन सा चैनल? जी न्यूज़ है, जी न्यूज़। आज मुंबई में मिस इंडिया चित्रा पर मुन्ना नाम के व्यक्ति ने कातिलाना हमला किया। घायल चित्रा को तुरंत नानावती हॉस्पिटल ले जाया गया। उनकी हालत इस वक्त बहुत नाजुक है। इस हमले के लिए पुलिस ने मुन्ना को अरेस्ट किया है। इस केस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है, ऐसा इंदिरा नगर के SI का कहना है। ये थी हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। Die!
मुन्ना कहाँ है बेटा तू बताइए वो कहाँ है रो मत माँ सब ठीक हो जाएगा रोने से क्या फायदा अरे यार तू भी रो रहा है मुन्ना तेरी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती बेटा ऐसा क्या हो गया है जो इतना रो रहे हो मुझे कुछ नहीं सब ठीक हो जाएगा मुन्ना लॉयर से सारी बातें हो गई है सोमवार की सुबह बेल की एप्लीकेशन देंगे साथ ही 5 लाख रुपए मांग रहे हैं इसे बोलने की क्या जरूरत है मुन्ना इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है हम सब संभाल लेंगे मुन्ना हाँ बेटा तू चिंता मत कर किसी भी तरह हम तुझे बाहर निकाल लेंगे मुन्ना तुम चिंता मत करो मुन्ना हम तुम्हें जरूर बाहर निकाल लेंगे मुन्ना मुन्ना मैंने पिताजी से छुपा के गोलक में 16 रुपए रखे वो मैं वकील को दे दूंगा तुम चिंता मत करो भैया 1 महीने में आपके पैसे मिल जाएंगे ये सब हमारे पास नहीं चलेगा शाम तक पैसे आ जाने चाहिए भाई 1 हफ्ते की मोहलत दे देते तो ज्यादा बकवास मत करो शाम तक पैसे आ जाने चाहिए ए, पैसा नहीं दिया ना तो तेरी पतिसी तोड़ दूंगा मैं हेलो कौन है तेरा बाप काम हुआ कि नहीं सलाम वालेकुम भाई अबे उसको छोड़ा है कि नहीं किधर रहते हैं भाई अबे बेंगलोर जेल में है मुन्ना तुमसे कोई मिलने आया है चलो बेटा आप कौन है बेटा मैं कौन हूँ तुम्हें कैसे समझाऊं तुम्हें देखे कितने साल हो गए लेकिन तुम्हें इस हालत में देखूंगा ये नहीं सोचा था कभी नहीं सोचा था इन सब का कारण मैं ही हूँ तू चिंता मत कर मैं तुझे जेल से बाहर निकाल दूंगा मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं मैं आपको नहीं पहचानता तू परेशान मत हो जो कुछ भी होगा मैं संभाल लूंगा तू हिम्मत से रह हिम्मत से रह सुनिए बेटे हिम्मत मत हारना अजर बेल के लिए 5 लाख मांगता है 5 लाख क्या 50 लाख भी चलेगा बस उस साले को बेल पर ले जाओ मुन्ना तुम्हें बेल मिल गई यहां साइन कर दो बच्चे को जिसने भी पाला है उस माँ और बाप को इस बादशाह का सलाम मेरे बच्चे तुझे दोबारा देख पाऊंगा ये मैंने नहीं सोचा था मैंने सोचा कि बड़े मियां के आदमियों ने तुम्हें मार डाला है तुम डरो मत हमारे सभी साथी आ गए हैं तुम डरना मत खुदा मेहरबान है खुदा मेहरबान है विश्वनाथ बादशाह विश्वनाथ विश्वनाथ मेरे भाई बादशाह विश्वनाथ मेरे भाई मेरे विश्वनाथ भाई कैसे मैं अच्छा हूँ तुम कैसे हो ठीक कैसे हो यार ठीक बादशाह कैसे हो तुम मैं अच्छा हूँ बताओ तुम कैसे हो 23 साल बीत गए तुम्हें देखे खैर छोड़ो अपने अपने शंकर का बेटा शंकर का बेटा हाँ। ये देख हाँ। ये देख मेरे शंकर का बेटा बेटा बादशाह हाँ, बोलो विश्वनाथ शंकर हमारे शंकर का बेटा हाँ, हाँ। बेटा बेटा न जाने हम कहां कहां भटके हम सब तुम्हारे लिए ही जिंदा है तुम गरीब आदमी नहीं हो करोड़पति हो हाँ।
तुम्हारे पिता की सारी जायदाद की मैं रखवाली कर रहा हूँ, मैं रखवाली कर रहा हूँ। इतने साल तक तुमने जो दुख सहे उन्हें सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुन्ना चलो घर चलते हैं, इस शहर में तुम्हारा अपना घर है। हाँ भाषा, हमारे शंकर के बेटे को घर ले चलते हैं। हाँ बेटा शंकर, चलो चलो। शंकर भैया, शंकर भैया, शंकर भैया। सलीम अंसारी बाटली वाला, ये दोनों बड़े मियां गैंग के साथी हैं, वेरी डेंजरस क्रिमिनल्स। इनके ऊपर थाईलैंड में भी केस है सर। इन दोनों का मुंबई में क्या काम है, क्यों आ रहे हैं? आई सस्पेक्ट ए मेजर कॉन्स्पिरेसी। 24 घंटे के अंदर इनके बारे में मुझे डिटेल्स चाहिए। ओके सर, आओ देखो ये तुम्हारा घर है। सिर्फ यही नहीं, ऐसे बहुत से घर है तुम्हारे। सब कुछ तेरा ही है बेटे, सब तुम्हारा है। नमस्ते साहब, आप कैसे हैं? धनराज कहाँ है? धनराज साहब, धनराज मेरा बेटा, मेरी एक बेटी भी है। हाँ। चित्रा, चित्रा। पिताजी, पिताजी आप कब आए? अभी आया। ए, तू ए, धनराज यहाँ तक आ गया? थोड़े से पिताजी, क्या कर रहे हो? इसी ने चित्रा को मारने की कोशिश की थी। जानते हो ये कौन है? पिताजी, पिताजी ये मेरे शंकर का बेटा है, ये घर बार इसी का है, ये ऐशो आराम की जिंदगी इसी की है। मैं सिर्फ इसकी रखवाली कर रहा हूँ, कुछ बताए तुम्हें? इन सब का कारण तुम और वो जगह। जानते हो जगह किसकी है? इसके पिता की है, उनके पैसों से ही मैंने वो जगह खरीदी थी। मेरे पिता कौन है? वो सब मैं बाद में बताऊंगा, तुम्हारे बारे में उन्हें पता चल गया है। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, आओ मेरे साथ, हम दूसरे शहर चलते हैं। हाँ मुन्ना, विश्वनाथ भाई बिल्कुल ठीक बोल रहे, अगर तुम यहाँ रहे तो वो तुम्हें मार डालेगा। कौन? बड़े मियाँ। बड़े मियाँ वो मुझे मारना क्यों चाहते हैं? वो सब बताने का ये वक्त नहीं है, चलो चलते हैं। देखिए मैं कहीं नहीं जाऊंगा, वो जगह मेरी ही है ना? सिर्फ वही नहीं मुन्ना, सारी जगह तुम्हारी है। उसके पेपर्स दीजिए, बस। पेपर्स ही ना, पेपर्स लेके आओ। ये लो। देखिए मेरे पिता और आपके बीच कैसे संबंध थे ये मैं नहीं जानता, आपने मुझ पे जो प्यार और विश्वास किया उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरी बस यही गुजारिश है, मुझे ये घर जायदाद कुछ भी नहीं चाहिए। कार और बंगला दिखाकर मुझे उस बस्ती वालों से दूर मत कीजिए, मुझे माफ करना। बेटा मुन्ना मेरी बात सुनो, जिद मत करो, वो लोग तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। उन बस्ती वालों ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उनका प्यार जब तक मेरे साथ है तब तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलता हूँ। मुन्ना क्या इन पेपर्स के अलावा इस घर में ऐसा कुछ नहीं जो तुम्हें अपना लगता हो? देखिए हम सबको ये जगह खाली करने की कोई जरूरत नहीं, ये जगह मेरी है। हाँ। और ये पेपर्स इस बात का सबूत है, हम लोग यही रहेंगे। इधर आ, ले इसको ले जाकर घर पे रख दे। जा जाना मुन्ना, तूने सच में इस बस्ती की लाज रख ली, तू सच में बहुत लाला है। मिस्टर मुन्ना, अब तक अमन और चैन का ये शहर 48 घंटों में बहुत ही बेचैन हो गया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक बाहर देश के सुपारी किलर्स, नोटोरियस क्रिमिनल्स यहाँ तक आ पहुँचे हैं। वो लोग यहाँ आए हैं सिर्फ तुम्हारे लिए। जब तक वो तुम्हें मार नहीं देते ये दंगा फसाद बंद नहीं हुआ। बताइए क्या गलती है मेरी, मेरे और उनके बीच में ऐसा क्या है? वही तो डिपार्टमेंट को अभी तक पता नहीं चला।
इन सब में अंडरवुड डॉन बड़े मियां का हाथ है ये पता चला है। 18 देशों में उसके ऊपर केस चल रहा है। ऐसा गुंडा हमारे देश में यहाँ है तो बहुत बुरी बात है, कितने मासूम मारे जाएंगे। सो बेहतर यही होगा कि तुम इस शहर को छोड़कर चले जाओ, इसी में सबकी भलाई है। सर आई एम सॉरी मुन्ना, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। तुम थोड़े दिन दूर रहो तो बेहतर है, हालात जब सुधर जाए तो हम तुम्हें बुलवा भेजेंगे। इस बस्ती की भलाई के लिए मेरा राजू हमेशा के लिए हमें छोड़ के चला गया, और आप लोगों ने मुन्ना को भी। ठीक है सर, इन अपनों के लिए मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। गुड मिस्टर देवराज। सर इस तरफ से ले जाओगे तो भीड़ कंट्रोल नहीं होगी, उस तरफ से ले जाओ। यस सर। बादशाह मेरी बात सुनो, हमारे लोगों को बुला जाओ। ठीक है। ए, दोनों गाड़ियों की टंकी फुल कर दो। ठीक है सर। हेलो, हाय डार्लिंग, हाय बेटा, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स आ गए, केक कट कर लिया है क्या? जब तक मैं नहीं आऊंगा केक नहीं काटोगी? देखो बेटा, इस तरह जीत नहीं करते, मैं जल्दी से लौट आऊंगा, तेरे लिए तोहफा लाऊंगा। ओके बाय बेटा, बाय। ठीक है, ओके। देखा मुन्ना, आज मेरी बेटी का बर्थडे है, जब तक मैं न पहुंचूंगा केक नहीं काटने की जिद पकड़े बैठी है, अब मैं क्या करूं? पुलिस की नौकरी कुछ ऐसी है, आज यहाँ हूँ न जाने कल कहाँ रहूँगा, सबका मालिक वो ऊपर वाला ही है। नमस्ते साहब। हाँ, क्या इस ढाबे के मालिक आप ही हैं? जी हाँ साहब। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, ये लोग जो जो मांगते हैं सब खिलाओ, बिल मैं दे दूंगा। सुंदर साहब को जो चाहिए दिला दो, आइए सर। हाँ चलो भाइयों, आपको जो खाना है खा लो, चलो आप लोग आराम से। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। मुन्ना आओ बैठो, मुंह हाथ धोकर आता हूँ सर। ओके, क्या लाऊं साहब? आज ढाबा स्पेशल क्या है? साले कुत्ते, उनके शूट कर दो, जाओ पुलिस। अरे चलो, मुन्ना मुन्ना क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बताओ? क्या हो गया?
देखिए सब संसार हो गया, मेरे कारण कितने लोग मर गए हैं। वे लोग कौन हैं? मुझे क्यों मारना चाहते हैं? हैं? धनराज को मारने की मुझे क्या जरूरत थी? शंकर दादा मेरे पिता हैं। वो कौन थे बताओ, वो कौन थे? बताता हूं, शंकर दादा कौन थे बताता हूं। 25 साल पहले मैं और तुम्हारे पिता नौकरी की तलाश में शहर आए थे। वहां पर कूली का काम करने वाले मजदूरों के वही मसीहा थे। एक सौ दस, एक सौ ग्यारह, एक सौ बारह, एक सौ तेरह, एक सौ चौदह, एक सौ पंद्रह, एक सौ सोलह, एक सौ सत्रह, एक सौ अठारह, एक सौ पचास हो गए साहब। साहब क्या बात है शंकर भाई? मुझे स्टेशन जाना है साहब, मेरी बहन आ रही है गांव से, दस्तखत कर लूं साहब? अभी अभी शादी हुई है, उसे लेकर आना है। अच्छा जाओ, लेकिन एक शर्त है। क्या साहब? तुम लोग बनाते हैं ना वो पीला सा चावल? अरे वही मीठे चावल? हाँ मीठे चावल, हाँ वही, कल लेके आना। ठीक है ठीक है सर। विष्णु भैया हाँ, चलो चलो। हाँ? जैसे जैसे बस्ती बढ़ती गई, अंडरवर्ल्ड के काम भी बढ़ते गए, और इन कामों का डॉन बन बैठा बड़े मियां। मैं हूं डॉन। अरे भाई साहब, पैसों के काम नहीं होता। शेख भाई बुला रहे। सलीम भाई, डॉन पिक्चर देखा है? नहीं भाई। अरे देखना, बहुत अच्छा है। हाँ जाके मिलो। अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूँ डॉन। गाना सुन। मैं हूँ डॉन। कैसा है? गाना बहुत अच्छा है सर। अबे बड़वे, तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है पूछ रहा हूँ। बिल्कुल डाउन है सर। बहुत डाउन है क्या माइक के लाल? तूने अपने ऑफिस और घर का फोन नंबर क्यों चेंज किया? रॉन्ग नंबर बहुत आ रहे सर। रॉन्ग नंबर बहुत है। छोड़, गुस्सा बहुत करता है, मिर्ची बहुत करता है ना। अच्छा हुआ इसका पिस्तौल मैंने निकाल कर रखा, नहीं तो मार देता ना। अच्छा होता क्या? कल मेरा आदमी आएगा, उसको 25 लाख रेडी रखना। बिजनेस बहुत टाइट है साहब। 30 हो गया साहब। 35 हो गया अभी। अच्छा चल ठीक है, 25 ही देना। चल चल निकल सर। साला अरे दीवाना मुझे पहचानो। लक्ष्मी ये भगवान सबकी रक्षा करना। कैसी हो लक्ष्मी? हाँ अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? अच्छे हैं। अंदर आइए ना। हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना परोसती हूँ। ठीक है भाभी। इन्हें काम पे कब लगवाओगे? कल, भूल गया। अच्छा एक काम करो, कल सुबह मीठे चावल बना दे। ठीक है। वाह कितना अच्छा बनाते हैं आप लोग। भाई साहब ये मेरी बहन और मेरा बहनोई। नमस्ते। मतलब जीजा जी। हाँ। अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? मंजुनाथ। मंजुनाथ साहब। हाँ। इन्हें भी काम पर लगा दीजिए। ठीक है लगा देंगे, आज से काम करो। ना मत बोलो पापा, अच्छा बैक है, सिर्फ 15,000। बेटा तू अब घर जा, रात को बात करेंगे। अच्छा बैक है पापा, प्लीज पापा। बेटा अब तू जा। नमस्ते भाई। हाँ बैठिए। क्या शेख पैसा रेडी है? रेडी है सर, इसमें 5 लाख है। 5 लाख? भाई ने तो 25 बोला ना। बोला था मगर एक हफ्ते में अरेंज कर दूंगा। मैं तेरा बैंड बजा दूंगा। नहीं, एक हफ्ते में अरेंज कर दूंगा। अब बोल 25 या तेरा जान। नहीं, 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 5 दिन में अरेंज कर दूंगा। 25 या तेरा जान। नहीं सर ऐसा मत करिए। 25 या तेरा जान। नहीं सर कैसे तो दे दूंगा, ऐसा मत करिए। जल्दी बोल शंकर भाई। ये सेठ और उनके पास फालतू बात के लिए टाइम नहीं है, जल्दी बोल। ये एक हफ्ता नहीं 3 कौन है तू? शंकर। भिखारी? भिखारी नहीं, मजदूर हूँ। मजदूर जो भी है चल निकल। फुट बोल। हा? बोला ना निकला नहीं तू, निकल। ए, ये कौन है? तेरा दोस्त है? ए, निकल। ये कौन है बोला? सेठ चलो तुम लोग चलना, सेठ से बात कर रहा हूँ, देखता नहीं तुम लोग? ये देखो मेरे पास गन है, शूट कर दूंगा मैं। निकलने को बोलना। ये सब कौन है सेठ? बोलना, देखो आखिरी बार बोल रहा हूँ सेठ, मैं कहता हूँ सबको निकलने को बोल दो।
देखो सेठ, भाई से टक्कर मत लो, ये बहुत भारी। सब लोग आ गए, ये किक को देख लूंगा। साला भिखारी लोग शहर में आकर भाई का आदमी पर हाथ उठाता है। साला ये क्या कुछ चुन चुन के मारूंगा। भिखारी कहीं का? ए, भिखारी नहीं, बोला था ना मजदूर हूँ मैं, स्वाभिमानी हूँ। चल फुट फुट साला, वो फुट बोला और तुम लोग आ गए। शरम, थू थू साले, शरम करो। कौन है वो? मजदूर है भाई। मजदूर उजदूर कोई भी यहाँ से बस्ती में नहीं रहने का। बोल दो सबको, चीर डालो साले सबको, सबको भगाओ। जाओ बड़े मियाँ का हुक्म है बोलना। कहाँ से आए लोग? गांव से। गांव से? कोई नाटक नहीं चलेगा शहर में, इस शहर में। नाटक बोल दो, सबको हटाओ, जाओ हाथ नीचे करो। फिर बोलना आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ? भाई आपने देखा नहीं, वो लोग लुंगी इतना इतना ऊपर उठा गया। अरे ये हमेशा कुछ ना कुछ, ये भिखारी आज के बाद इस शहर में कभी नहीं आएंगे। इस शहर का शान शत्रु है क्या? हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम ये याद रहेगा। मैं जो कह रहा हूँ उसे सुन। दोबारा बस्ती के लोगों को परेशान किया तो काट के रख दूंगा, समझे? मजदूर का बात समझा? नहीं समझेगा तो पछताएगा। इंसान बन के जीना सीखो, सीखो, सीखो। हम नहीं जाएंगे, मजदूर कभी डरते नहीं, याद रख, नहीं तो काट के रख दूंगा, याद रख, काट दूंगा साले को। मार मार बेटा, जोर से मार। ये क्या कर दिए वो लोग, इसे नहीं होना चाहिए। अब तुम लोग चुप नहीं बैठना, ये लो इसे अपने पास रखो, नहीं छोड़ो, सब सबको मार डालो, किसी को भी नहीं छोड़ना। देखा कितना खून खराब कर दिया। नहीं 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 शंकर, देखिए मत छोड़ना शंकर। नहीं ऐसा मत कीजिए, सबको मार डालो, किसी को भी छोड़ना। नहीं को पकड़ के भून डालो, खून खराब मत कीजिए, इस गुंडागर्दी को खत्म कर दो। सुनिए, हो
उस लड़के को मार कर भूल कर दी। हमने जानबूझकर तो नहीं किया शंकर, अनजाने में भूल हो गई। सोचना चाहिए हमें, समझना चाहिए। धत, मेरा निशाना बड़े मियां का बेटा नहीं था। शंकर देखो, ये सब मुझे नहीं चाहिए। वो लोग गलत रास्ता अपना रहे हैं, हम भी अगर वही रास्ता अपनाएं तो हम में और उनमें क्या फर्क रहेगा। आगे से ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए। सो जा बेटे, सो जा। मैं समझा था तू बहुत बड़ा क्रिकेटर बनेगा, इन लोगों ने तुझे लाश बनाकर भेज दिया। चिंता मत करना, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। बीवी बच्चों से लेकर पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। होता रहो। बादशाह भाई आइए आइए। भैया फोटो लीजिए, फर्स्ट क्लास फोटो निकालना। लो 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 लो, कितना लाडला है। मेरा सोना। जो मेरा मुन्ना। विष्णु भैया बताइए इसका नाम। हाँ, विष्णु नाम रखो। अरे मेरी समझ में नहीं आता, बाटा तुम ही रखो। अरे अरे मुझे क्या मालूम है भाई। अरे रखना, अरे जो तुम रखो ना चाहे वही रख लीजिए। अरे विशु तुम भी भाई। अरे छोड़िए ना भाभी, ये मेरा राजा बेटा है, इसकी खिदमत करना मेरा फर्ज है भाभी। बाद में क्या हुआ तुम खुद जानते हो। वो बड़े मियां कुछ करना बैठे इसका मुझे डर है। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मुन्ना चलो यहाँ से निकल चलते हैं। मुन्ना वैसे भी हम शंकर को खोकर बहुत दुखी है बेटा, तुम्हें हम खोना नहीं चाहते। मेरी बात मानो, यहाँ से निकल चलो, निकल चलो यहाँ से। ठहरिए, आप ही ने तो कहा था कि मैं शंकर दादा की औलाद हूँ। सच में अगर शंकर दादा का बेटा होता तो क्या करता। वो डर के भागता नहीं, वो बस्ती में जाता और उस लुच्चे बदमाश बड़े मियां को ढूंढ कर उसे बदला लेता। छोड़ता नहीं उसे। पिछले 23 सालों से मुझे ढूंढ रहा है। मैं इस वक्त बस्ती जा रहा हूं, मैं कौन हूं उसे दिखा दूंगा। हे, देखो तुम शंकर के बेटे हो, हमारे शंकर के बेटे हो। हम लोग बस्ती चलते हैं, उससे बदला लेते हैं। पाशा भाई चल चल, बस्ती चलते हैं। हम सब तेरे साथ हैं, जान देंगे या जान लेंगे, उस हरामी बड़े मियां को नहीं छोड़ेंगे। चलो सब लोग बस्ती चलो, चलो सब लोग, चलो चलो। अरे भाई लोग, हमारे शंकर का बेटा आ गया। अरे देखो, अरे भीम सिंह भैया कैसे हो।
अरे कितने दिन हो गए इसे देखे हुए, बूढ़ा हो गया है। अरे शंकर का बेटा, अरे मेरे शंकर का बेटा है, अरे देखो शंकर के मुन्ना, मुन्ना यही तुम्हारा घर है। यही है बेटा, आ जाओ, आओ चलो। चलो बेटे, ये सब कुछ तेरा है बेटा। मुन्ना यही तुम्हारे माता पिता है। माता पिता ने मरने से पहले ये कपड़े पहने। मुन्ना मुन्ना मत रो मत, हम सब खुशी से जीते थे, हिम्मत से बस्ती में रहते थे, कोई परेशानी नहीं थी। उनके मरने के बाद बहुत कष्ट झेल रहे हैं, हर दिन कोई न कोई परेशानी, बड़े मियाँ के आदमी बहुत अत्याचार करते हैं, क्या करें बिल्कुल नहीं समझता। मेहनत मजदूरी करके दो चार पैसे कमा लेते हैं, वो सब उसे देने पड़ते हैं, नहीं दिया तो मार मार के हमसे वसूल करते हैं। उनकी बात नहीं मानने पर बच्चों को मारने की धौंस जमाते हैं। समझ नहीं आ रहा कि क्या करें मुन्ना, यहाँ पर जीने वाले बच्चे उसी के पास हैं, उनसे गंदे गंदे काम करवाता है, उन बच्चों से खून करवाता है, उनसे गांजा अफीम का धंधा करवाता है। समझ नहीं आ रहा क्या करें बेटा। ऐसे काम करते समय अक्सर बच्चों को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। ऐसे धंधे करते वक्त कितने ही बच्चे अपंग हो गए हैं बेटा, उनके भविष्य की चिंता हमें सताती रहती है बेटा। तुम सही समय पर आए हो बेटा, तुम्हें देखकर तुम्हारे पिता की याद आ गई। हमारी विनती है कि हमारे बच्चे को हमसे मिलवा दो बेटा, हम इस शहर को छोड़कर ही चले जाएंगे, कुछ करो बेटा। उस बड़े मियां से मुझे मिलना है, उससे मुझे बात करनी है। ये इतना आसान नहीं है बेटा, वो दुबई में रहता है, सारा कामकाज वहीं से करवाता है। वो 10 सालों से यहाँ नहीं आया। और उसका परिवार? उसकी 2 बीवियां थी, दूसरी बीवी जिंदा है, उसकी 1 बेटी भी है। उसका घर कहाँ है पता लगाइए। सुना उस दिन क्या हुआ? अरे ये लोग आ गए, मेरी बेटी, मेरी बेटी। नमस्ते। मेरा बेटा। आओ बेटे, आओ। आइए आइए। नमस्ते। ये मेरी बेटी है, मिस इंडिया है। देखो बेटी, मैं, शंकर भैया, बाशा, सब लोग यही रहते थे। हाँ, यही हम लोग पलकर बड़े हुए हैं। मुन्ना कहाँ है? मुन्ना अंदर है। जाओ बेटी, अंदर जाओ। मेरा बेटा। हेलो। हाय मोनिका डार्लिंग। डार्लिंग गिरलिंग मत बोलना। अरे सिकंदर को क्या हो गया? दुबला पतला लग रहा है, तुम ख्याल नहीं करती हो। जाओ, मैं आपके साथ बात नहीं करती। क्यों, क्या हुआ? आप मुझे दुबई कब लेके जाएंगे? अरे वो थोड़ा वीजा का प्रॉब्लम हो गया, और मैं जल्दी तुम दोनों को लेके आने वाला हूँ। तो कल मेरे बर्थडे को भी नहीं आ रहे? अरे नहीं नहीं, देखना अगला जन्मदिन हम दुबई में कैसे मनाने वाले हैं। और सिकंदर, कौन है अंदर? अंदर कौन है वो? तेरे साथ अर्जेंटली बात करनी है, जल्दी इधर आ जा। क्या चाहिए तुझे? तू खुद ही देख ले। बच्चे को हाथ लगाना, देख लूंगा। सुन, इस वक्त तेरी बीवी और बच्चे मेरे कब्जे में है। अरे सिक्योरिटी, अरे सिक्योरिटी, ज्यादा उछल मत, बोलती बंद कर, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा बड़े मियाँ। अरे बच्चे को, Oh
मामला हम दोनों के बीच का है, बच्चे को कहीं को उठा के लाया। हम दोनों को बात करनी है, तू बच्चा संभाल, जा जाना। सर जा तू। बोल बछुआ क्या बात है? ओ देहाती मालूम है का? मजदूर का बात समझा? नहीं समझेगा तो पछताएगा। इंसान बन के जीना सीखो, सीखो। सीख लूंगा। जब मैं तुम्हारी बच्ची जीता था तब से मुझे मार डालने के लिए ढूंढ रहे थे। पिछले 23 साल से तुम मेरे पीछे पड़े थे ना, अब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, बताओ तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हाँ बताओ ना। इसके लिए दुबई से मुझे यहाँ बुला के भिखारी की तरह खड़ा करके सवाल पूछ रहे हो तुम? देखो ऐसे हालात पैदा रहो उसी लिए मारना चाहता था। तेरे बाप के साथ तुझे भी मार डालता तो ऐसे हालात ही नहीं होते थे। तेरा तो खून ही ऐसा है। तेरे मन में मेरे पिताजी के लिए नफरत, मेरे लिए नफरत है। बेचारे उस बस्ती के लड़कों की आखिर क्या गलती थी? उन पुलिस वालों की क्या गलती थी? कितने मासूम लोगों का खून किया है? क्यों उन लोगों को सताते हो, उन्हें परेशान करते हो? इतने सारे लोगों को मार डाला, पूरे बस्ती को जला डाला, क्या मिला तुझे बता? हाँ बता ना। मेरे भाई को मार डाला, मेरे बेटे को मार डाला, इतने दिनों के बाद अब मेरे बच्चे को तू लेके आया है, तुझे क्या ऐसे ही छोड़ दूंगा मैं? साले देख, तेरी और मेरी ये आखिरी मुलाकात है। कल सुबह 9 बजे के अंदर सारे बच्चों को अगर शंकरवाड़ी नहीं पहुंचाया तो बस्ती वाले तुझे चीर कर रख देंगे, समझा कि नहीं? I will kill you. Hey, तूने शंकर दादा को देखा लेकिन इस मुन्ना को नहीं देखा, गला काट के रख दूंगा। मुन्ना इसे जिंदा मत छोड़ो, खत्म कर दो, मार डालो मुन्ना। रुक जाओ साले, देख तेरी और मेरी ये आखिरी मुलाकात है। कल सुबह 9 बजे के अंदर बच्चों को अगर शंकरवाड़ी नहीं पहुंचाया तो तुझे चीर कर रख दूंगा, कोई नहीं बचाएगा, समझ गया ना? चल फुट। मुन्ना क्या कर रहा है तू? इसे जाने मत दे, छोड़ दे इसे। मुन्ना ये बहुत ही बड़ा बदमाश है, छोड़ दे, छोड़ दे, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। चलिए चलते हैं। तुम्हें फोन के लिए इंतजार कर रहा था क्या? ए लुच्चे बच्चे कहाँ है? गलती कर दी तुझे छोड़ के, गलती कर दी। तेरी जगह मैं होता तो तुझे मार डालता, लेकिन तूने एक अच्छा मौका गंवा दिया। मैं तुम्हारे किसी भी बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। नहीं देखा मैंने जो पार्सल भेजा था? नहीं देखा? देखो एक लकड़ी का बक्सा आया होगा। लकड़ी का बक्सा? यहाँ कोई लकड़ी का बक्सा आया है क्या? देखो जल्दी देखो, चलो जल्दी आओ। बच्चे चौप 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 चौप, एक इलाज देखकर चिल्ला रहा है, बाकी को भी भेज दूंगा। ऐसे ही और 2 घंटे में तेरी सारी बस्ती भर जाएगी, समझे? ए ए ए ए, तू जिंदा नहीं बचेगा, अब तो जिंदा नहीं बचेगा। 23 सालों से मेरी जान लेने की तूने कसम खाई थी ना, आज लोगों के सामने मैं कसम खाकर कहता हूँ, अब से सिर्फ 2 घंटे के अंदर मैं तुझे खत्म कर दूंगा। इन 2 घंटों में अगर तू अपनी जान बचा सकता तो बचा ले, कोशिश कर। बात बजे में आई मुन्ना बड़े मियां के लोग इस वक्त एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। Oh!
है सर यौवन। उन्हें हमारे रूप पे भेज दिया है। मुंबई की सड़कों को क्या हो गया आज? पता नहीं ये बीच बीच में क्या हो रहा है। मुन्ना इस तरफ ही आ रहे हैं ब्रो। सुन रहे हो तुम लोग, ये रिमोट दबाओगे तो सारे बच्चों के साथ साथ सारा शंकरवाड़ी खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो तुम लोग? आपके पाँव पड़ता हूँ, हमारे बच्चों को छोड़ दीजिए। रस्ते के बीच में रिक्शा खड़ा है, कुछ गड़बड़ लगता है मुझे। साला ये शंकर का बेटा है। इसको तो मैं यही खत्म करके दुबई जाऊंगा। फोन कर रहा था, इसका फोन कर रहा था, बोल कौन है वो? चाचा, चाचा, मुन्ना, तेरे पिता की बाहों में दम तोड़ना चाहता था, शुक्र है अल्लाह का तेरी बाह। मुन्ना उस बड़े मियाँ को मत छोड़ना उसे, या अल्लाह, अल्लाह। बादशाह, बादशाह। Thank you.
मुझे मारते मुझे मारते, मैं एक फोन कर दूंगा तो पूरी शंकर वाली का संचार हो जाएगा। ए, 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 तू क्या फोन करेगा, मैं करता हूँ। मैं मुन्ना बोल रहा हूँ, बड़े मियां मेरे कब्जे में, उसे नहीं छोड़ा तो कह रहा है कि बच्चे को मार देगा, क्या करूं? मुन्ना, इतने दिनों तक हमने बिन बच्चों के जीवन गुजारा, बच्चों के साथ हम भी मरने के लिए तैयार है मुन्ना, लेकिन उस बड़े मियां को बिल्कुल मत छोड़ना, मार दो उसे, काट के रख दो, उसके टुकड़े टुकड़े कर डालो। जब मारना ही है तो ऐसे नहीं मारेंगे, लड़के मारेंगे, उनमें से किसी को भी मत छोड़ना। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, हमारे बच्चों के साथ हम मर जाएंगे और तुम लोगों को भी हमारे साथ मरना होगा। हमारे बच्चों को तुम मारेगा, अब मर। मैंने बहुत से कमीने लोग देखे, लेकिन तुझ जैसे कुत्ते कमीने को पहली बार देख रहा, तुझे मारने के लिए ये एक हो जाएगा। ए सुन, अगर मैं जिंदा रहा तो ऐसे हजारों बच्चे पैदा कर सकता हूँ, ऐसे हजारों शादियाँ कर सकता हूँ, मैं नहीं रहा तो मारता है, मार, मारता है, बच्चे को मारता है, मार। Oh.